कभी नशे का सेवन नहीं करूंगा। नशे के इस संकल्प में जुड़ने से उनको क्या फायदे हैं और क्या वो आगे कर सकते हैं और क्या हमारी हेल्प लग सकते हैं? शहर में ज़्यादातर क्राइम बढ़ चुकी है, जिसको जड़ माना जा रहा है कि नशे के चलते होती है, तो इस नशे को पूरे जड़ से किस तरीके से हटाने का प्रयास कर रहे हैं? नशा ही हर चीज़ का जड़ है, क्योंकि नशे से ही आदमी अपने घर परिवार और आसपास वालों को बहुत ज़्यादा तंग करता है। और दुर्ग पुलिस द्वारा 3 चरणों में यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। नमस्कार, मैं पूनम भारती और इस वक्त आप देख रहे हैं केपी न्यूज़। नशा एक ऐसी आग है जो ना केवल आपको जलाती है बल्कि आपके आसपास जितने भी लोग होते हैं उन्हें भी खाक कर देती है। इसी संदर्भ में आज दुर्ग पुलिस लगातार एक अभियान चला रही है, एक युद्ध नशे के विरुद्ध। इसी को लेकर आज एक कार्यक्रम रखा गया था जो विसाईनगर थाना में, और जिसमें आज लोगों से रूबरू किया गया और लोगों को जागरूक किया गया कि नशे से किस तरीके से दूर है और नशे की लत से किस तरीके से समाज में जागरूकता फैलाए, इस विषय पर लेकर आज लोगों से बातचीत की गई है। और इस कार्यक्रम में एडिशनल SP और CSP और विसाईनगर के TI मैडम ममता मैम भी मौजूद थी, और उन्होंने लोगों से बातचीत की और लोगों को विस्तारपूर्वक बताया कि नशे से किस तरीके से दूर रहे, कैसे नश की लत जो लग रही है उससे बचा जाए। और कार्यक्रम में जितने भी लोग मौजूद थे उन्हें एडिशनल SP ने शपथ दिलाई और लोगों को नशे के विरुद्ध एक अभियान के संकल्प में लोगों को जागरूक किया। और इसी विषय पर लेकर मैंने TI मैडम से बातचीत की है और उन्होंने मुझे विस्तारपूर्वक में बताया कि क्या कुछ इस पूरे कार्यक्रम में उद्देश्य क्या है इस पूरे कार्यक्रम का और क्या कुछ इस कार्यक्रम में था। यहाँ से गणमान्य व्यक्तियों को बुलाया गया था और जो हमारे आसपास के स्कूली बच्चे हैं और जो क्षेत्रवासी हैं स्लम एरिया वाले, उनको भी हमने आज इस मुहिम में जोड़ा है। इनके तहत वो आए और उनको हमने एडिशनल सर ने, मैंने और CSP साहब के द्वारा सारगर्भित उनको बताया गया कि नशे के इस संकल्प में जुड़ने से उनको क्या फ़ायदे हैं और क्या वो आगे कर सकते हैं और क्या हमारी हेल्प लग सकते हैं। आप लोग जैसे कि आप लोग गली मोहल्ले में जाके लोगों को पूरे जागरूक कर रहे हैं और जो नशे मुक्त केंद्र हैं उनसे किस तरीके की थेरेपी दी जाएगी जो भी नशे करते लोगों को? जो बहुत ज़्यादा परिवार पीड़ित हैं और जिनके बच्चे मान ही नहीं रहे हैं उनको, ये हमारा तीसरा चरण में है कि हम उनको उनके परिवार की मदद से उनकी मदद करें और उनको जाके नशा मुक्ति केंद्र में छोड़ें और उनकी स्थिति क्या है उस बच्चे की, कि 1 महीना रहेगा 2 महीना रहेगा, इस तरह से हम समाज कल्याण विभाग में बात करके उसको एडमिशन दिलाएंगे वहाँ, और जब वो ठीक हो जाता है तो फिर उसको वहाँ से रिलीज़ कराएंगे। जैसे कि मैम, शहर में ज़्यादातर क्राइम बढ़ चुकी है, जिसको जड़ माना जा रहा है कि नशे के चलते होती है, तो इस नशे को पूरे जड़ से किस तरीके से हटाने का प्रयास कर रहे हैं आप? इसमें मैडम दुर्ग में लगातार भी कार्रवाइयाँ चल रही हैं। अभी हमने ही 1 महीना पहले चिट्टे के ऊपर बड़ी कार्रवाई की है और इस तरह से पूरा अभियान के तहत लगातार हर थाने क्षेत्र में छोटी छोटी कार्रवाई और बड़ी कार्रवाई, जहाँ जैसा हो रहा है हर स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। और जैसे कि आप ये अभियान चला रहे हैं तो ये कितना प्रभावित साबित हो रहा है लोगों की नज़र में, कितना मतलब फीडबैक कैसे आ रहे हैं लोगों को? मैडम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, इससे बोल रहे हैं कि ये बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए और नशा ही हर चीज़ का जड़ है, क्योंकि नशे से ही आदमी अपने घर परिवार और आसपास वालों को बहुत ज़्यादा तंग करता है और सभी क्राइम का जो शुरुआत है वो नशे से ही होती है। एक छोटा सा सवाल, जैसे कि नशे बहुत टाइप्स होते हैं, हर एक वैरायटीज़ के होते हैं, तो सबसे ईजी और सबसे ईजी तरीके से उपलब्ध होने नशा कौन सा है? मैडम सबसे इजी वाला नशा तो अभी जो है वो गांजा चल रहा है, हर मतलब पुड़िया जो गांजा है वो बहुत ज़्यादा लोगों को प्रभावित कर रहा है। तो आपके इस अभियान के द्वारा आप सभी भिलाईवासियों को जागरूक कर रहे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में आप भिलाईवासियों से? मैं यही कहना चाहूँगी कि नशे से दूर रहें और जहाँ भी नशा हो रहा है हमें जानकारी दें और अपने घर परिवार वालों को भी इनसे दूर रखें और आस पड़ोस वालों सभी को बोले कि संकल्प में जुड़े और पुलिस का साथ दें। जैसे कि हमने मैम से बातचीत किया, मैम ने हमें बताया पूरे विस्तारपूर्वक कि किस तरीके से ये पूरे संकल्प या जो एक युद्ध नशे के विरुद्ध है उसे चलाया जा रहा है। और सभी लोग भिलाईवासियों से भी निवेदन है कि नशे से दूर रहे, क्योंकि नशा ही सब कुछ जड़ है आपको बर्बादी की ओर ले जाने के लिए। ऐसी और अन्य खबरों को देखने के लिए बने रहे KP न्यूज़ के साथ, धन्यवाद। दुर्ग पुलिस द्वारा संकल्प एक युद्ध नशे के विरुद्ध नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। ये 15 अगस्त से 26 जनवरी तक सभी थाने अपने थाना क्षेत्र में एक कार्यक्रम आयोजित करते हैं और बड़ा कार्यक्रम आयोजित करते हैं और मोहल्ले में भी जाकर के छोटे छोटे कार्यक्रम आयोजित करने का इन लोगों ने बीड़ा उठाया। और दुर्ग पुलिस द्वारा 3 चरणों में यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है, एक जागरूकता अभियान और दूसरा नशे पर कंट्रोल करने के लिए पुलिस अधिकारियों के नंबर्स दिए जा रहे हैं और तीसरा जो नशा की लत जिसको लग चुकी है उसको नशा मुक्ति केंद्र तक पहुंचाने का अभियान, ये तीनों पर दुर्ग पुलिस काम कर रही है और नशा मुक्त जिला बनाने की ओर अग्रसर है।